हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। ये खास लकी लकी दीपक ने सवाल किया था, जिसका वीडियो मैं 4 दिन से नहीं डाल पाया, सो आई एम गोइंग टू अपलोड इट टूडे। सो चलिए दोस्तों, सीखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों के पास है दो चीजें, NaOH प्लस H2SO4, ठीक है। इन दोनों चीजों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वो परफेक्टली याद रखो। Na2SO4 बनेगा और प्लस बनेगा H2O, ठीक है। ये चीजें बनेंगी इसके बाद, दोनों के मिलने के बाद। और फिर इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, बैलेंसिंग देखना है। तो बैलेंसिंग के लिए दोनों साइड देखो, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पे दो टेबल बनाओ, एक बनाओ रिएक्टेंट के लिए। रिएक्टेंट में आप दो चीजें लिखो, एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। और यहाँ पे भी प्रोडक्ट लिखो और एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं। अब एलिमेंट्स कौन कौन से रिएक्टेंट में, Na है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, इतनी ही चीजें ना। अब एटम्स कितने हैं, Na कितना है, एक है, तो एक लिख दो। O कितना है, एक है, चार है, पांच हो गया। हाइड्रोजन एक है, दो है, तीन हो गया। S कितना है, एक है, चलो एक हो गया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट के साइड में भी दो चार चीजें हैं, NaOH S, Na है दो और O कितना है, यहाँ पे भी O पांच है, हाइड्रोजन दो है, सल्फर एक है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या क्या देखना है, क्या क्या खराबियां हैं, क्या क्या कमियां हैं। बैलेंस कब बोलते हैं, जब ये भी सेम हो, ये भी सेम हो। प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक है लेकिन यहाँ पे दो है, पांच है यहाँ पे, पांच है, तीन है यहाँ पे, लेकिन दो है, एक एक, ये बराबर है, ठीक है। तो कहाँ प्रॉब्लम आई, सोडियम क्या है, दो है, यहाँ पे एक ही है, तो इसको हम लोग दो बनाने के लिए क्या करेंगे, सोडियम के साथ दो लगा देंगे। तो यहाँ पे दो लगा देंगे, बट सोडियम के साथ दो लगेगा तो OH के भी साथ दो लग जाएगा, मतलब सबकी मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये एक स्टेप हो गया, ये स्टेप वन था। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम लोग, काफी लंबा ये प्रोसेस होता है, सो लिसन केयरफुली ताकि आप लोग इसे समझ पाए, ठीक है। तीन स्टेप में इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अब फिर से वही टेबल बनाएंगे, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स, एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। एलिमेंट्स कौन से थे, NaOH S, Na तो दो हो गया, बट O कितना हो गया, O छः हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन दो और ए दो जो चार, चार हाइड्रोजन हो गया, तीन ही था, सल्फर एक ही रहेगा। और प्रोडक्ट के साइड क्या हाल है, NaOH S, Na दो है, O पांच है, हाइड्रोजन दो है और S एक है, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, अब हाइड्रोजन चार है यहाँ पे, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन छः है यहाँ पे, ऑक्सीजन पांच है, फिर प्रॉब्लम आई। तो हाइड्रोजन दो है तो इसको चार करने के लिए दो लगा देंगे यहाँ पे, सो आई शुड राइट टू विथ H2O, तो यहाँ पे मैं टू लिख दूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं आगे लिख देता हूँ अब, तो 2NaOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस 2H2O, इतना समझ में आया। अब फिर से हम लोग टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आया रिएक्टेंट, यहाँ पे आया प्रोडक्ट, तो यहाँ पे एलिमेंट आया और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पे भी एलिमेंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स। तो एलिमेंट्स कौन कौन से थे और नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, वो चीजें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो सोडियम था, ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन था, सल्फर था, सोडियम था, ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन था, सल्फर था, ठीक है। अब नंबर्स देखते हैं, नंबर्स का क्या हाल हुआ। सबसे पहले देखते हैं रिएक्टेंट के साइड, रिएक्टेंट में दो Na है, ठीक है, दो, ऑक्सीजन एक, चार, पांच है, नहीं नहीं दो ऑक्सीजन और चार ऑक्सीजन, छह हो गया, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन और दो, चार हाइड्रोजन, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, दो हाइड्रोजन, दो एकम, दो ऑक्सीजन। सल्फर कितना है, सल्फर एक ही है, सल्फर का मात्रा उतना ही रहेगा। प्रोडक्ट के साइड देखते हैं, सोडियम दो है, ठीक है, ऑक्सीजन और चार ऑक्सीजन यहाँ और 2 0 2 1 2, मतलब छः ऑक्सीजन, ठीक है, दो ऑक्सीजन भी तो हो गया हाइड्रोजन के साथ इसलिए। फिर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 2 4 हाइड्रोजन, सल्फर एक। अब देखिए 2 6 4 1 2 6 4 1, मतलब ये बैलेंस है। ये रहता है आपका स्टेप वन, ये रहता है आपका स्टेप टू, ये रहता है आपका स्टेप थ्री। तीन स्टेप में आप लोग लिखते हैं और स्टेटमेंट में आप लोग लिखते हैं, दैट इज स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने टू लगाया NaOH के, सो यहाँ पे लिखेंगे Na इज ओनली, Na हैज ओनली वन एटम, ठीक है। देयरफोर वी विल राइट
टू विथ NaOH टू बैलेंस, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। Na के पास एक ही एटम था तो हम लोग दो लगाएंगे, वी विल राइट कोएफिशिएंट, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कोएफिशिएंट टू, और फिर यहाँ पे आप लोगों ने हाइड्रोजन के साथ लगाया तो वी विल राइट टू, टू बैलेंस। तो इस तरीके से स्टेटमेंट लिखना है, टेबल बनाना है, टेबल ढंग से बनाना है, मैंने ढंग से नहीं बनाया है, तो ऐसे आप लोगों को टेबल बनाना है, ठीक है, प्रॉपरली आप लोगों को करना है। सो गाइज ये था हम लोगों का बैलेंस करने के लिए, तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से समझ लें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी चीजें सीखेंगे।